लगभग 2 महीने पहले इतवार स्टेशन के मालधक्का परिसर में एक व्यक्ति को मृत अवस्था में पाया गया था। इस प्रकरण में लकड़गंज पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने हत्या में शामिल रामकृष्ण उर्फ रामा, सुदामा मेश्राम, हर्षल देवराव मेश्राम और रास्ते से हटाने की फिराक में था। रामा ने अपने भतीजे के साथ मिलकर भोला को मारने का प्लान बनाया था। 31 मई को बात करने के बहाने उसे अपने साथ इतवारी के मालधक्का परिसर में ले गए। वहां तीनों ने भोला की जमकर पिटाई की, बाद में दुपट्टे से गला घोटकर उसे मार डाला। 1 जून की सुबह पुलिस को मालधक्का परिसर की एक झोपड़ी में लाश पड़ी होने की जानकारी मिली। पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सिटी के सभी थानों और ग्रामीण पुलिस को मृतक की फोटो भी भेजी गई। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अनैतिक संबंध के आड़ में शांतिनगर में रहने वाले कुछ रिश्तेदारों ने भोला को पहचान लिया। शिनाख्त तो हो गई, लेकिन हत्या की वजह से युवक की मौत को घाट उतारा गया था। शिनाख्त तो हो गई थी, लेकिन किस कारण से युवक को मौत के घाट उतारा गया और आरोपियों का पता लगाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। एक जूनला मालधक्का इतवारी परिसरात एक डेड बॉडी मिळाली होती, अज्ञात होती। मात्र आम्ही त्याच वेळेला व्हॉट्सअपवर सगळीकडे मॅसेज पाठवून मृतकाची ओळख 2 तासात पटवली होती। तो मौदा वरंबा तालुका मौदा भागातला राहणारा होता। त्या अनुषंगाने आम्ही जवळपास बरेच दिवसपर्यंत तपास करत होतो, पण कुठलाही क्लू मिळत नव्हता। काही दिवसांना आम्हाला अशी माहिती मिळाली की मृतक जो आहे त्याच्या एका नातेवाईकाचे आरोपीसोबत अनैतिक संबंध होते, त्यावरून त्यांचा वेळोवेळी वाद झाला होता। तशी ही घटना 31 मेला घडली होती। याच्या पहिले 26 मेला त्यांच्या गावातसुद्धा त्यांच्या वादावर येऊन तिथे मौदा पोलीस स्टेशनला गुन्हे दाखल झाले होते। त्या संशयाच्या आधारावर आम्ही हे सगळं ड्राईव्ह राबवला। बाकी तांत्रिक विश्लेषण, कम्प्युटरचा उपयोग या अनुषंगाने आम्ही 3 आरोपी अटक केलेले आहे। आरोपी 10 तारखेपर्यंत PCR वर आहे। पंटर से मृतक वरंभा कामठी निवासी धीरज और भोला भगवान जानकारी मिली कि रामा और भोला की महिला रिश्तेदार के बीच अनैतिक संबंध है। बताया गया कि आरोपी में वरंभा निवासी भाला और रामा का विवाद हुआ था। पुलिस ने रामा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने अन्य दो के साथ मिलकर हत्या को अंजाम देने की बात कबूली थी। पुलिस ने अन्य दो को भी हिरासत में लिया और शुभम नामदेव भगत का समावेश भी है। बताया जाता है कि भोला को मारने के बाद आरोपियों ने रामा के घर में बैठकर पार्टी भी की थी। शराब और कबाब के साथ भोला की मौत का जश्न मनाया गया। न्यायालय ने आरोपी को पुलिस हिरासत में भेज दिया है। भोला के एक रिश्तेदार के साथ रामा के अनैतिक संबंध है। DCP राहुल माकनीकर, SCP परदेसी और इंस्पेक्टर नरेंद्र हिवरे इनके मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट, NBC News नागपुर।